बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी एंड चीज़ी आलू के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है वो प्लेन फ्लावर लिया है, जिसमें 1 टी स्पून मैंने नमक डाला है और 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाला है। यहाँ पे मैं 1 एग व्हाइट का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप दूध थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके 1/2 कप जो है इन टोटल मैंने इसमें दूध डाला होगा, और इसका मैंने इस तरह से आटा थोड़ा सा सख्त जो है वो गूंद लिया है। इस तरह से देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म का आटा इसका रेडी है। हम इसको जो है वो अभी साइड पे रख देते हैं, आलू रेडी कर लेते हैं। आलू जो है वो 380 ग्राम थे, तकरीबन 4 आलू, और उसके अंदर मैं ये ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, मिक्स्ड हर्ब्स 1/2 टीस्पून, क्रश चिली 1/2 टीस्पून, और नमक आप हस्बे जायका इसमें डाल सकते हैं। आलू बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, तो इनको मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले इस तरह से मैश कर लूँगी, और उसके बाद इसमें मसाले भी डाल दिए, और इसमें मैं धनिया, जो कि मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, मैंने 1/2 कप जो है वो फ्रेश धनिया काट के इसमें डाल दिया है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत डालिएगा। मेरा बेटा ये बहुत शौक से खाता है, इसलिए मैंने हरी मिर्च जो है वो स्किप कर दी है। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, पेज है official.lovecooking के नाम से, आप प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरी रेसिपीज ट्राई करें हैं तो मेरे साथ पिक्चर्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, रोटी को मैंने थोड़ा सा बेल लिया है, और इसके ऊपर मैं मोत्सरेला एंड चेडर चीज़ का मैंने मिक्सचर जो है वो रखा हुआ है, ग्रेट करके वो डाली है। और ये जो जितना भी आलू का मसाला था, मैंने सारा का सारा इस तरह से एक पैटी सा बना के ऊपर रख दिया है, और बाकी की चीज़ हम जो है वो ऊपर से डाल देंगे। यानी नीचे भी चीज़ है और ऊपर भी चीज़ है, और उसके बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। आई नो बड़ा ये मोटा ताज़ा किस्म का पेड़ा बनेगा, लेकिन थोड़ी सी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ी सी टेक्निक लगानी पड़ेगी, लेकिन जो है ये ईजीली आराम से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो अब देखें, इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। आपने यू हैव टू मेक श्योर कि इसके सारे एंड्स जो हैं वो सिक्योर हैं और बंद हो चुके हैं। अभी जो है मैंने इस तरह थोड़ा सा इस पर खुश्क आटा डाला है, और अब हम इसको बेलेंगे। बहुत ही केयरफुली आपने इसको बेलना है, ताकि इसका जो आलू का मसाला है वो बाहर ना निकले। तो ये देखें, हमने इसको बेल लिया है। ये थोड़ी सी मोटी रोटी बनेगी, बट दैट्स फाइन, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली आलू का मसाला भी है। तो ये देखें, मैंने एक तवे के ऊपर इस तरह से बटर लगा दिया है। बटर में इस पराठे का मज़ा ही और है। अगर आप बटर नहीं यूज़ करना चाह रहे, ऑयल डालना चाह रहे हैं, तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको क्रिस्पी बनाने के लिए एक तो मैंने इसमें एग वाइट का इस्तेमाल किया है, और दूसरा मैं इसको बटर के साथ तलूँगी, जिससे इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो बस इस तरह से आपने दोनों साइडों पे बटर लगा के, और इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है, ताकि ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है, हम इसको उतार लेते हैं। ये पराठा बहुत ही मज़े का बनता है, लुक्स लाइक अ पिज़्ज़ा, जिस तरह से वो कैलोज़ोनी पिज़्ज़ा होता है ना, उसी तरह का लगता है। बहुत मज़े का, यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में संडे को जो है ये वाला ब्रेकफास्ट बना करता था, आलू के पराठे, बहुत ही हम शौक से खाते होते थे। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।